खबर रायपुर से है, जहां तीन मासूम बच्चे अपने परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर थे। इसकी सूचना मिलते ही तीनों बच्चों को संरक्षण में लिया गया। बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया है कि पिता की तीन हड्डियां टूटी हुई हैं और मां खाना बनाते वक्त 40% जल गई है। इलाज के लिए पैसा नहीं होने के चलते बच्चे सड़क पर रहने को मजबूर हैं। हमारी पूरी टीम, जिसमें महिला बाल विकास, सखी, वन स्टॉप सेंटर और चाइल्ड लाइन की टीम थी, उसके द्वारा जाया गया वहाँ पे। तो वहाँ पे खुले अवस्था में तीन बच्चे, एक बच्चा 4 माह का, एक बच्चा 4 साल का, एक बच्चा 6 साल का, ऐसा मिला। और वो एक उन दोनों की भी स्थिति एकदम तकलीफदेह थी। माता जी पूरी कम से कम 40% जली हुई है और पिता का भी अलग अलग हिस्सों में तीन हड्डी टूटा हुआ है। तो हमने उन लोगों के पास जाके बातचीत की, उनको समझाइश दी, बोले कि आप लोग स्वस्थ हो जाओ, अपने घर बना लें या किराए पे ले लें, तब तक बच्चे स्थायी संरक्षण के लिए आप हमें दें, सुरक्षित रहेगा बच्चा और जो शिक्षा अध्ययन करना है उसका।